नमस्कार, मैं आपके बीच लोकेश कुमार सिंह और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में जो है आज जो है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब आए हुए हैं और देश के कानून मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी आए हुए हैं और आप अभी हम जो है सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है समावेश जो है तमाम लॉ को लेकर हो रही है, जिस पर लगातार कार्रवाई कैसे कैसे देश की समव्यवस्था बैठाई जाए इस पर जो है बातें चर्चाएँ हो रही है। कोलिजियम सिस्टम के लिए भी सरकार और जो है सरकार और बार एसोसिएशन में लगातार जो है कटाक्ष होते रहते हैं, लेकिन इसको देखते हुए लगातार समय का सदुपयोग करते हुए इस पर हरदम मीटिंग में कोई ना मीटिंग चलती रहती है। कोलिजियम सिस्टम का मुद्दा जो है 2016 में उठाया गया था, फिर भी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सरकार के लगातार हस्तक्षेप रहा है कोलिजियम सिस्टम पे और सुप्रीम कोर्ट में जो है भाषा जो है सरल बनाया जाए इसमें भी लगातार चर्चाएँ होती रहती है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम बहुत जोर शोर में प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन जिसमें समावेश बनाया जाता है और सरकार और जो है सरकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उस जो है कानून से जुड़े हुए होते हैं, अब कानून मिनिस्ट्री जो काम करती है उसको लेकर हर दम कोई ना कोई चर्चा देखने को मिलता है। कोलिजियम सिस्टम की आवाज़ उठ रही थी और आज कोलिजियम सिस्टम की आवाज़ को पूरे देश में एक तरह से लगातार कहीं ना कहीं जोर दिया जाता है, फिर भी कोलिजियम सिस्टम आज भी बार एसोसिएशन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम से ही लोगों की नियुक्ति की जा रही है। According to me, if this constitution has to remain as a relevant document, has to actually be an interface for delivering to the people of this country their rights as guaranteed in the constitution, then that can only be secured by good people manning the higher judiciary. So I on this very, because there is an apparent conflict which is quite obvious everywhere, that names are being recommended and not being appointed. This, according to me, is a complete negation of the rule of law, and I beseech the Honorable Law Minister to please ensure that this negation doesn't happen again. Thank you. Thank you, Vikas sir, for raising all the important issues, especially lawyers practicing in this court to be considered for elevation to High Court. This may now request Honorable Mr. Kiran Riju, Union Minister for Law and Justice, to kindly deliver his address.